दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए गट्टे की सब्ज़ी बनाने का एकदम नया तरीका हर किसी की डिमांड होती है कि गट्टे की सब्ज़ी को हम सॉफ्ट किस तरह से बनाएं तो आप लोग इस रेसिपी को पूरा देखें और गट्टे की सब्ज़ी बहुत ही सॉफ्ट बनेगी तो इस सब्ज़ी को बनाने के यहाँ पर मैंने यह डेढ़ कप बेसन लिया है इसमें डाल दिया है स्वाद अनुसार नमक अब इसमें डालेंगे अजवाइन एक चम्मच तेल डालकर अच्छे से हम बेसन में मिलाएँगे इस तरह से जब हम गट्टे की सब्ज़ी बनाते हैं तो बहुत ही सॉफ्ट गट्टे की सब्ज़ी बनकर तैयार होती है इस तरह का जो आटा है वह लगाकर हमने तैयार कर लिया है ज़रा सॉफ़्ट आटा लगाकर तैयार करेंगे इसको हम दो भाग में इस तरह से डिवाइड करेंगे हम इसकी जैसी रोटी बनाते हैं उसी तरह की एक गोली बनाकर इस तरह से तैयार करेंगे अब इसको हमें बेलना है जैसे हम रोटी बेलते हैं बस उसी तरह से इसको हमें मोटा सा बेल कर तैयार करना है तो चलिए इसको हम बेल लेते हैं तो हाथ में थोड़ा सा घी लगाकर इसको हम रोटी के बराबर बेल कर तैयार करेंगे आज मैं एकदम नया तरीका बता रही हूँ आप लोगों को गट्टे की सब्ज़ी बनाने का इस तरह से हम गट्टे की सब्ज़ी बनाते हैं तो बहुत ही टेस्टी गट्टे की सब्ज़ी बनकर तैयार होती है और जो गट्टे बनते हैं बहुत ही नरम बनते हैं क्योंकि हर किसी की कोशिश होती है कि गट्टे की सब्ज़ी है जो एकदम से नरम बने हर किसी के जो गट्टे हैं वो एकदम से कड़क बनते हैं तो आप इस तरह से जब गट्टे की सब्ज़ी बनाएंगे तो बहुत ही सॉफ्ट गट्टे बनकर तैयार होंगे तो दोनों रोटियों को एक के ऊपर एक इस तरह से रखेंगे और इनको हम फोल्ड करेंगे इस तरह से जब हम गट्टे बनाते हैं तो बहुत ही जालीदार और बहुत ही टेस्टी सॉफ्ट नरम गट्टे बनते हैं तो बस इस तरह से रोल बना लिया है मैंने इसका तो चलिए अब हम आगे की तैयारी कर लेते हैं रोल है जो बनकर तैयार हो चुका है तो हम गैस पर रखेंगे कोई भी पतीला इसमें रखेंगे एक गिलास पानी इसमें डाल देंगे एक बड़े साइज़ की प्याज तीन टमाटर सूखी दो लाल मिर्च डाल दी है मैंने इसी के साथ यहाँ पर डालेंगे अदरक लहसुन डालेंगे और एक दालचीनी का टुकड़ा डाल देंगे फ्लेवर के लिए अब इसमें हम डाल देंगे बेसन का जो रोल बना कर तैयार किया है उसको तो इसी के साथ जो गट्टे जो बेसन का रोल है वही पकेगा और जो टमाटर प्याज वह अच्छे से पक जाएंगे तो मीडियम आंच पर इनको हम पकाएंगे पाँच मिनट तक तो पाँच मिनट बाद देखिए जो सब्जियां हैं वो अच्छे से सॉफ्ट नरम पड़ चुकी हैं और जो गट्टे हैं बहुत ही अच्छे से पक चुका है इसमें जाली बन चुकी है इस पानी को हम नहीं फेंकेंगे साइड में रख देंगे और जो सब्जियां अच्छे से सॉफ़्ट हुई हैं उनको पीस कर तैयार करेंगे इस तरह से मसाला भी बहुत अच्छा बनकर तैयार हो जाता है और यह सब्ज़ी है जो जल्दी से बन जाती है और यहाँ पर गट्टा है जो ठंडा हो चुका है तो इसको हम छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे इसी तरह से गट्टे की सब्ज़ी बनाकर देखिए बहुत ही अच्छी गट्टे की सब्ज़ी बनती है और जब इसको हम ग्रेवी में डालते हैं तो बहुत ही नरम गट्टे बन जाते हैं इनमें जालियाँ बहुत अच्छे से आ चुकी हैं तो चलिए इनको हम फ्राई करेंगे तो गैस पर मैंने एक करछी भर के तेल डाल दिया है लगभग यहाँ पर मैंने दो चम्मच तेल डाला है इतने ही तेल में हम अपनी सारी सब्जी को बनाकर तैयार करेंगे और इसी में हम गट्टे को फ्राई कर रहे हैं बहुत ही कम तेल का इस्तेमाल करेंगे इस सब्ज़ी में यहाँ पर देख सकते हैं गट्टे को जो हम फ्राई कर रहे हैं इसकी जालियाँ इस जाली में जब हम ग्रेवी डालेंगे तो बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनेगी उसी तेल में हम डाल देंगे जीरा और जो हमने प्याज टमाटर पीस के रखा है उसको डालकर इसको हम अच्छे से पकाएंगे। तो इसको हम ढककर पकाएंगे पकाएँगे जिससे सब्ज़ी है जल्दी से बनकर तैयार हो जाएगी तो इसको हम मीडियम आंच पर ढकेंगे अभी पहले इसमें हम मसाला डाल देते हैं तो मसालों में डालेंगे हल्दी धनिया मिर्ची स्वाद नमक अमचूर पाउडर और मसालों को अच्छे से मिलाएंगे। अब इसको हम ढककर पकाएंगे तीन चार मिनट मीडियम आंच पर तो तीन चार मिनट बाद देखिए मसाला है जो एकदम से बहुत ही अच्छे से पका है और इसने तेल को छोड़ दिया है देख सकते हैं तेल छोड़ दिया है इसने हमने इस सब्ज़ी में बहुत ही कम तेल का इस्तेमाल किया है तो बहुत अच्छे से मसाला है जो पक चुका है तो चलिए अब हम इसमें गट्टे डाल देते हैं इस तरह से गट्टे की सब्ज़ी बनाइए खाइए और मुझे ज़रूर बताइए कि आप लोगों को आज का गट्टे की सब्ज़ी बनाने का मेरा तरीका कैसा लगा है अब जो पानी बचा है जिसमें हमने प्याज टमाटर और गट्टों को पकाया था वही पानी हम इस सब्ज़ी में इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इसमें सब्ज़ियों का फ्लेवर भी है और यह गट्टे की सब्ज़ी है बहुत ही गाढ़ी सी बनेगी इसमें इसको हम ढककर पकाएंगे तो यहाँ पर मैंने मीडियम आंच पर पाँच मिनट के लिए इसको ढक दिया था तो हमारी जो गट्टे की सब्ज़ी है बहुत अच्छे से पककर तैयार हो चुकी है इस सब्ज़ी को बनाने में हमें ज़्यादा समय नहीं लगता है बहुत ही जल्दी से सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाती है जब भी आपके घर में कोई सब्ज़ी ना हो तो आप इस तरह से गट्टे की सब्ज़ी बनाइए खाइए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और फैमिली फ्रेंड में वीडियो को शेयर करना ना भूलें तो इस गट्टे की सब्ज़ी को आप चावल के साथ खाइए या रोटी के साथ खाइए बहुत ही अच्छी लगती है सब्ज़ी तो इस सब्ज़ी को बनाने का मेरा तरीका कैसा लगा है प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू